हाय दोस्तों वेलकम बैक नमस्कार दोस्तों वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों को सेवन का लेकर फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आज आपको होने वाला है सोलह आपका अगस्त को बच्चे ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक एंड दोस्तों प्रेस दोस्तों क्या की झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिसर रांची झारखंड दोस्तों आपको यह हो होगी प्रोजेक्ट रेल दोस्तों ठीक है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपको यही हो गया जनरल स्कूल दोस्तों ठीक है दोस्तों आपका ये कक्षा हो गया सेवन दोस्तों आपका से हो गया यहाँ पर आपका हिंदी बच्चों आपका आज आपको एग्जाम है हिंदी और मैथ का होने वाला ठीक है तो वीडियो शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक करिए चैनल सब्सक्राइब दोस्तों चलिए आगे दोस्तों चलिए दे देखिए क्वेश्चन तो चलिए दोस्तों, दो दोस्तों प्रश्न के पहला क्या हो रहा है कि गिल्लू पाठ के रचयिता कौन है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ए नंबर है राधा कृष्णन ऑप्शन आपका बी नंबर है देवेंद्र कुमार ऑप्शन आपका सी है महादेवी वर्मा ऑप्शन आपका डी है अरुण कमल दोस्तों ठीक है तो सिंपली सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों से आपका क्या कहो महादेवी वर्मा आपका सिंपली सही बच्चे हो जाएगा नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पर की संजुही में कैसी कली लगी है ऑप्शन आपका ए नंबर है लाल ऑप्शन बी नंबर है उजली ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर है हरी ऑप्शन आपका डी है पीली बच्चों ठीक है तो सोनजुही जब एग्जाम आपको पूछेगा सिंपली को सही आंसर देगा ऑप्शन डी बच्चों को पीली पीली कली लगा हुआ सोनजु में से ठीक है दोस्तों कि किसका पंजा ठंडा हो गया था बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका बच्च आप ए नंबर है लेखक का ऑप्शन है ऑप्शन बी बच्चों का गिल्लू का पंजा ठंडा हो गया, गया था, था, गया। था दोस्तों की दोस्तों फोर क्या बोरा कि कौवा और का करने को किस अर्थ में प्रस्तुत करते हैं बच्चों ऑप्शन आपका ए नंबर है अवानना ऑप्शन बी नंबर है समंदर ऑप्शन आपका सी है शुभ ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं बच्चो ठीक है तो जो कौ कहता है काउ तो का अवानना हम लोग क्या कहते हैं कि कोई मतलब घटना होने वाला है ठीक है तो सिंपली आपका ये हो गया आपका ठीक नेक्स्ट नहीं दूसरे प्रश्न की फैसन क्या हो रहा है कि किस चीज के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ए नंबर है विष्णु पुराण ऑप्शन बी नंबर है गिरुड कुरान ऑप्शन आपका सी नंबर है काक पुराना पुरान ठीक है ऑप्शन है इनमें कोई नहीं वो चुटेगा तो सिंपली सही बच्चा हो जाएगा ऑप्शन आपका जो तो सी नंबर का चुटेगा ऑप्शन सिंपली सी का सिंपली सही बच्चा हो जाएगा दोस्तों तो छठा समय क्या बोल रहा है पर कि गिल्लो कहाँ छिप जाता था वह चुटेगा ऑप्शन आपका ए नंबर है फूलों में ऑप्शन बी नंबर आपका है पर्दे में ऑप्शन आपका सी नंबर है सोजू लता में ऑप्शन डी नंबर आपका है यहाँ पर इनमें सभी ठीक है सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर डी नंबर इनमें सभी बच्चों आपको सिंपली सी बच्चा हो जाएगा ठीक है दोस्तों प्रश्न तो दो सत्र यहाँ पर कि नगर भवन में किसके आने का समाचार फैल गया बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ए नंबर है मिठाई वाला ऑप्शन बी आपका है तांगे वाला ऑप्शन आपका सी नंबर है मुरली वाला ऑप्शन डी आपका है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन डी सी बच्चों का इसमें मुरली वाला सिंपली बच्चों ठीक है दोस्तों प्रश्न देखिए आठवा समय है यहाँ पर कि प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में मुरली वाले का कैसा स्वर सुनाई पड़ा बच्चों पड़ता है बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ए नंबर है मृदुल ऑप्शन बच्चों को बी नंबर है धीमा ऑप्शन आपको नंबर है कर्कस ऑप्शन बच्चों डी नंबर है इनमें कोई नहीं बच्चों ठीक है सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन ये बच्चों का मृदुल आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा दोस्तों आगे चलिए प्रश्न सुन समय क्या हो रहा है की मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ये नंबर है वन ऑप्शन बी नंबर है दस ऑप्शन का सी नंबर है फिफ्टी सेवन सन्तावन दोस्तों ठीक है फिर आपका सतहत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों सिंपली का सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन बच्चों आपका सी नंबर सतावन को था मुरली बच्चों आपका मुरली वाले के पास मुरली है मुरली था बच्चों को मुरली वाले पास था मुरली था सत्तावन दोस्तों ठीक है दोस्तों आगे चलिए दोस्तों प्रश्न क्वेश्चन क्या बोला है कि रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ सुन किसका स्मरण हुआ बच्चों ठीक है ऑप्शन आपका ए नंबर है फल वाले का ऑप्शन जो बी नंबर का है खिलौने वाले का ऑप्शन आपको सी नंबर है ग्वाले का ऑप्शन आपका डी नंबर है शिक्षक का बच्चा ठीक है सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी बच बी बच्चों आपका ठीक है खिलौने वाले का आवाज बच्चों आपको था आ गया बच्चों ठीक है का होता था ठीक है नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न ग्यारह क्या बोल की सोजुही को देखकर लेखिका को अन्यास किसकी याद आ जाती है और क्यों बच्चों ठीक है उत्तर हो गया कि सनजूही को देखकर लेखिका को अन्यास गिल्लू की याद आ जाती है क्योंकि गिल्लू अक्सर सनजूही की हरी तीमा हरी तीमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौका दिया करता था इसलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर सनजूही की कली में कली के बहाने ऊपर आकर चौका देगा बच्चों ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों प्रश्न के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवे के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखे यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखिका ने कौवे को एक विचित्र पंछी कहा है कि जो एक साथ समादरित अनादरित आदि सम्मानित तथा अति अवमानित है जिसका रूप घटकर पूर्वजों को भी पितर पक्ष में अवती होना पड़ता है हमारे दूर दुरुस्त दुरुस्त परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कोवे के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है बच्चों को फाइनलिस्ट का आंसर आपको दोस्तों दोस्तों प्रश्न क्या तेरह क्या बोला कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी का गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती बच्चों ने उत्तर सुन क्या है दोस्तों तो बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर संजूही की जड़ में उसे समाधि की गई थी बच्चों बसंता गमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उसकी जाली के उस पार चिक, चिक का कर गिल्लू की आद दिलाती रहती थी बच्चों ठीक है आपको यही हो गया बोला कि क्या तथा लेखिका को जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में गिल्लू के खिल जाने का विश्वास आज भी था बच्चों ठीक है आपका ये हो गया नोट के यही सब आने वाला है ठीक है कि मिठाई वाला किस तरह से अपने अवमान अवगमन आगमन 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 की सूचना देता था बच्चों बच्चे बोला है मिठाई वाला अपने आगमन की सूचना देने के लिए आवाज़ लगाता था और अधूरे वाक्यू जैसे बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला खिलौने वाला मुरली वाला आदि को विचित्र ढंग से बोलकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता था बच्चों को यह फाइनली स्क्रेन से कॉपी नोट किया दोस्तों दोस्तों पंद्रह क्या दोस्तों कि बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे बच्चों ने क्या बताया कि मिठाई वाला बहुत ही मदक मधुर ढंग से आवाज़ लगाता था बच्चों को बढ़ाने वाला मिठाई वाला उसके स्नेहा भी सिक सन्या, भी स्नेहाहाभ कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर बच्चों के मन में हलचल मच जाती थी उसके मीठे स्वर से बच्चे उसके पास खींचे चले आते थे बच्चों को ये के फैनलिस का बच्चों आंसर आ गया दोस्तों दूसरों प्रश्न क्या बना कि मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कैसे कम करता है लिखिए बच्चों क्या ब्रह उतना पड़ा मिठाई वाले को ऐसा लगता है कि उसके परिवार की आत्मा जन्म ले ली है बच्चों ठीक है वह उन्हीं की ही बच्चों के शरीर में होगी बच्चों ठीक है अतः वह दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपने खालीपन के एहसास को कम करता है बच्चों ठीक है आपको ये फाइनल बच्चों उसका आंसर दोस्तों वीडियो में कर चुका फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में चुका आपको आ जाने वाला है ठीक है सोलह बच्चों का अगस्त को आएगा ठीक है तो फाइनली बच्चे शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चे वीडियो को पहुँचा दीजिएगा थैंक यू सो मच भारत वंदे मातरम